अधिक लेने हैं वो तो हम पूरा करेंगे। लोकसभा चुनाव तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसी दौरान रणजीत चौटाला जो है अपने कार्यक्रम में एक कार्यक्रम में पहुंचे हैं। देखते ही देखते काफी लंबी लाइन यहां पर इस समय देख पा रहे हैं हिसार के अंदर सेक्टर 14 में। जी हाँ, हिसार के अंदर सेक्टर 14 में यहाँ पर हाथ उठाकर तालियां बजा करके समर्थन करते लोग आपको नजर आएंगे। ये तमाम लोग जो है एक ही कॉल पर एक ही बुलावे पर यहाँ प्रवीण पोपली के साथ पहुंचे हैं। रणजीत चौटाला जी यहाँ पर पहुंचे, जैसा कि आपको बताया कि एक बात कही जाती है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो शहरों में काफी एक्टिव रहते हैं और उसी को लेकर के कि ये कार्यक्रम की झलक आपने को देखने को मिल रही है कि किस तरीके से कुछ ही समय में इतने सारे कार्यकर्ता एक साथ इकट्ठा हो चुके हैं या कहेंगे इतने लोग जो है वो यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं सेक्टर 14 के इस कार्यक्रम के अंदर। और देखते ही देखते काफी लोग यहाँ पहुंचे हैं, यहाँ रणजीत चौटाला जी जो है पहुंच चुके हैं। ये आइए देख बातचीत कर लेते हैं उनसे और किस तरीके से ये कार्यक्रम हो रहा है। ताजा तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, प्रवीण पोपले जी भी यहां पर पहुंचे सेक्टर 14 के 1170 में ये कार्यक्रम चल रहा है जिसमें तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो काफी भीड़ पीछे तक जहां तक नजर आ रही है वहां तक आपको नजर आएगी। सेक्टर 14 के अंदर लोग जो है खुले दिल से तालियां बजा करके उनकी हर बात का समर्थन करते हुए, रणजीत चौटाला की हर बात का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी बात ठीक लगे, मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, दुनिया बहुत छोटी हो गई, थोड़ी देर में आप सारी दुनिया को ठीक बैठ देख सकते हैं। जमाना बदल चंद्रयान जब गया था तो नीचे सब मोबाइल पे देख सकते थे, कारण पे भी देख सकते थे, नीचे माइनस टेम्परेचर इतना, इससे आगे तो थे थोड़ी भी सकते। एक एस्टेब्लिश आंकड़ा है कि 1800 साल में पीछे जो बाबा आदम थे 1800 साल में जितना आदमी ने ज्ञान अर्जित कर वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से पिछले 150 साल और जितना 150 साल में अर्जित करा वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से 1800 साल और जितना 1800 साल में था केवल मतलब ये केवल खराब होती है जितना उसका आईटी का क्या है। आज के मोबाइल में आकाश पताल दुनिया तीनों, आकाश पताल जमीन तीनों, इसमें किसी को ऑप्शन नहीं बोल रहा है। आप इसमें सब कुछ देख सकते हो, कहीं का भी ले लो, कुछ डालो सामने बोल के पूछो ये बताओ कि सामने ये कर क्या करता है। ऐसे युग में लोकसभा का चुनाव बहुत इम्पोर्टेंट होता है, कई बार चुनाव थे दुनिया के हम देखते हैं, कभी फ्रांस का बेल्जियम का चुनाव कोई नहीं देखता, कभी जर्मनी का चुनाव होता है कोई नहीं देखता, जब अमेरिका का चुनाव होता है तो सब लोगों को एहसास होता है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और डिफेंस पार्टी पीछे सबसे पावरफुल कंट्री कहीं बैठा अपने स्कर्ट डिजाइन से दुनिया को हरा देता है। अफगानिस्तान एहसास कर गया, जहां जाए अमेरिका कर देता है, इसराइल वोट करे तो अमेरिका के सबक क्या है। तो आज के जमाने में अमेरिका के साथ हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में हिंदुस्तान के चुनाव के दुनिया को देखा, उसका रीजन है कि सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक सेंटर जिसे लार्जेस्ट प्रजातंत्र दुनिया का 145 करोड़ का बहुत बड़ा है। एक पुराने कॉमेंट पे जा रहा हूँ, 1977 में जब चुनाव हुए थे 1977 में आप लोगों को याद को मुझे वोट कर दिया, एमरजेंसी के एक्सेसिव के खिलाफ लोगों ने रिफंड कराया और कांग्रेस को पूरी तरह लगा दिया, बिहार यूपी की 85 सीट उत्तराखंड की 85 के 85 बिहार के 56 और दिल्ली तक उत्तराखंड के झारखंड बना दिए और बंगाल के 42 की 42 11 की 10 पंजाब की 13 की 13 हिमाचल की 4 की 4 दिल्ली की 7 की 7 पूरे नॉर्थ इंडिया में इंदिरा गांधी संजय गांधी ऐसा समय आया। आज फिर एक ऐसा ही समय आ रहा है, मैं नहीं कह रहा, मेरे लेक्चरों में तो कह दूंगा, मेरे कहने से तो नहीं होता,
पर आप अगर स्कूल में खुले स्कूल तो कह जाए बच्चों को सिखाया जाता है कि घर से हमें बैठे कैसे से एक लाइन स्टार्ट करें। वहां भी पूछो कौन आएगा बेटी बहुत ही हमारे बच्चों को किसने बताया किसने सिखाया था। जैसे बच्चा टीवी देख के किसको वाला डांस कर देता है दो साल का बच्चा तो ये होता कि बच्चे सीख गए। तो सबकी निगाह लगी कि हिंदुस्तान में क्या होता है। देखिए जब 77 का चुनाव होता जिस बात से तो इंग्लैंड का सबसे बड़ा अखबार है गार्डियन, जिसने एक खबर छापी थी जिसने इंग्लिश में लिखा था कि पिछलू इंडियन आपको याद नहीं इंडियन एक्सप्रेस ने जो पहले लेके लगा था ब्लैक जो इंडियन हिस्ट्री पूरा खाता अलग किया था इंडियन एक्सप्रेस में, इस करके इंडियन एक्सप्रेस ने आते थे लखनऊ से नहीं जाना। और सुप्रीम कोर्ट के बाद में पारा के प्रदर्शन करा था क्या गिरफ्तार होंगे ये वो पकड़। आज जो है सब दुनिया को पता देखिए अमेरिका में कन्वेंशन के प्रेसिडेंट दो बार हो सकता है 8 साल के बाद प्रेसिडेंट नहीं बनता। और इंग्लैंड में भी कभी एक बार मार्केट कैसे थी 70% दो दो बार जीते तीन बार पर ये हिंदुस्तान की हिस्ट्री में एक इतिहास हो सकता कि एक प्राइम मिनिस्टर 2014 में बना 2019 में बना 2024 में बना जिसका था कट के मार्च के बाद मिला तो 24 के बाद अभी नहीं कहेंगे सारे तो वहाँ की बात है पर ये लोगों में पॉपुलरिटी की बात है। एक फेस पे चुनाव लड़ा था अगली पॉपुलरिटी की बात बताता हूँ। अमेरिका में कन्वेंशन है कि जब किसी देश का जब अमेरिकन का प्रेजिडेंट स्टेज पे होगा तो इवन मैरिज जिसे हम अपना एनर्जी कहते हैं बाद में जो मैरिज है प्रेजिडेंट की वो भी पिटना हो। और जब एक एनआरआई का फंक्शन था लोगों ने ट्रंप साहब को दिला दिया था हमारे मोदी साहब ने किया अमेरिका में एक प्रोग्राम था शेख शिकागो और जब वो पूरी भीड़ जो थी जब मोदी साहब ऊपर आए ट्रंप साहब थे तो मोदी ट्रंप भी थोड़े छोटे हो गए थे ये हमारे प्राइम मिनिस्टर का देखिए तीन चीजें देखी जाती है हमारे मैं किसी का स्टूडेंट हूँ 211 मुल्क वर्ल्ड में 211 में इसको स्थान में तो जी अलग तरह है बाकी ऐसे मुल्क है जैसे पाकिस्तान से मिला भी इसको आज भी मान लेते हैं वगैरह कई मिडिल ईस्ट में भी अच्छे कंट्रीज हैं। तो 211 देशों को एक यूएन लेवल चार्टर पे डिस्प्ले हुआ है वर्ल्ड की एजेंसी ने यह कहा कि 211 में जो बेस्ट जो 5 इकोनॉमी जिन देशों की अर्थव्यवस्था 5 की सबसे मुझे उसमें हिंदुस्तान एक हो गए हमारे बहुत बड़े और जो वर्ल्ड की 4 जो मिलिट्री सबसे पावरफुल जिन्हें आर्मी हम कहें उसमें अमेरिका रशिया चाइना और हिंदुस्तान 4 देश हैं ये हमारे देश में ये मतलब इन चीजों को देखते हैं। आप थोड़ा याद करें अशोक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य हिंदू साम्राज्य के सबसे बड़े राजा अशोक सम्राट का युग कहा जाता है कि जब उनका पहला युग था तो तहलका मैदान में बड़ा था। आपने किसी लेक्चर पर देखा होगा अशोक का पहला युग तहलका मैदान में मतलब तहलका का मतलब गेम वार पे दूसरा युग तीसरा युग और उन्होंने सैकड़ों युद्ध करके पूरे हिंदुस्तान के राजा होते छत्रपति राजा थे सम्राट कहते हुए और उसमें जब कलिंगा का युद्ध था बहुत सुंदर सारा वापस आ गया और दूसरा युग होगा कि जिसमें हम देश बदल के रास्ते घर घर जाना लोगों की चकैती समझते हैं उनको ठीक कर ये उन्होंने दूसरे युग को कहा और तीसरा युग जब आया तो भारत के माता तो हमारे मोदी साहब का ये तीसरा युग आया है दो युग का पहला जो था पुलवामा में देखता था कि ऐसा युवा जो अशोक सम्राट कहता था और उसके बाद दुनिया में दिखता कि हिंदुस्तान में ये हिंदुस्तान वापस मजबूत भी है जब हम पीसफुल है पर कोई अगर छेड़े तो फिर आप हिंदुस्तान का पहुंच नहीं करता ये भी देखता है। अब आज कहीं भी चले जाओ आप G20 देखते हैं मैं भी उसको बड़ा क्लोजली देखता था उसमें हमारे मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर सब पहले तो हमारा प्राइम मिनिस्टर तीसरी लाइन में खड़ा होता कई बार मुझे याद है देखता था मनमोहन सिंह जी घर से बाहर जाते थे जब बीच में कॉन्फ्रेंस होती तो खड़े रहते थे सब अमेरिकन प्रेसिडेंट से मिलने का करते थे खुद से मिलने का करते थे हमारे प्राइम मिनिस्टर को कोई नहीं देखता था
अब मोदी साहब दोनों तरफ पटका डाल के बीच में खड़े, एक तरफ पुतिन खड़े, एक तरफ बाइडन खड़े, आपका जिन सिंह खड़े, आप ये हमारे देश की मजबूती है, ये गौरव है, तोड़ है। तो इस तरीके से आज हम दुनिया के सबसे मजबूत देश बन गए। ये जब होता है जब आदमी की सब जो समाज की दृष्टि में देखा जाता है कि उस राजा के राज में भौगोलिक स्थिति क्या थी, राजनीतिक स्थिति क्या थी और कौन का वो आपका इकोनॉमिक स्थिति क्या थी। एक अर्थ विशेष चाइनीज समझते थे इंटेलेक्चुअल को एड्रेस कर दे तो सब शहर के को दीजिए डॉक्टर प्रोफेसर, उसमें सीए जो थे एडवोकेट थे सब लोग बैठे थे। सब्जेक्ट जो था वो ये था कि किसी डेमोक्रेटिक सेटअप में एक स्टेबल गवर्नमेंट के टेस्ट पैरामीटर्स क्या है। तो कंस्टिट्यूशन कहते हैं कि अगर तीन चीज मेरे पास हो तो मैं मरने दम तक भी किसी को राज नहीं दूंगा, मैं ही चाहूंगा। कहते हैं तीन चीज कौन सी कि पीपल कॉन्फिडेंस, नंबर दो बेस्ट इकोनॉमी के पूरा जिसमें मेरे पास कहीं भी कोई कमी नहीं रहे, भंडार भरे हो, बैंक मेरे भरे हो, पूरा पैसा मेरे पास हो, फॉरन एक्सचेंज मेरी भूल गए, और डिपेंडेबल एंड स्ट्रॉन्ग आर्मी ताकि मेरे राज्य की कोई अटैक ना दे। ये तीनों चीज होता है आप समझता हूँ आज हिंदुस्तान हमारा सौभाग्य है कि पीपल कॉन्फिडेंस शायद किसी प्रधानमंत्री को इतना नहीं मिला जितना आज हमारे हिंदुस्तान। आप नॉर्थ ईस्ट देख लो, साउथ देख लो, हर जगह फैला और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में वर्ल्ड की पांच अर्थव्यवस्था मांगे एक हो गए। और तीसरा डिफेंस के राज्य वर्ल्ड की चार डिफेंस फोर्सेज एक है। जब ऐसा अब तो मैं समझता हूँ रंजीत सिंह तो नाम से चुनाव लड़ रहे हैं, ये तो लोगों ही चुनाव, ये तो सीधा सीधा प्रधानमंत्री का वोट बढ़ रहा है, ये लोगों के एकमत बढ़ रहे हैं। इसी इंटेलिजेंस से अगर कुछ लोग कहीं भी बात करते हैं क्या मोदी बनेगा मोदी को, दूसरी बात ही नहीं करता, कोई डिबेट नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, तो पॉलिटिकली हुआ करते। मैं थोड़ा सा बताऊं मेरा ऐसा क्यों आया नंबर, टिकट क्यों मिला, लाइन में नहीं था, प्रतिस्पर्धा में नहीं था। मैं जब मिनिस्टर था तो मैंने मेरे डिपार्टमेंट को बहुत सुधारा, मेरे फंक्शनिंग नंबर वन पे पावर डिपार्टमेंट जो 31.9 जिसका लोस था वो आज मैं लेटेस्ट बता रहा हूँ 12.9 था, वन डिजिट में आया जो एक पास चल गया, मतलब 31 से 9 के आने का मतलब जब 1% लाइक लॉस कम होता है तो हमारा कोलेक्टिव छोटा छोटा का डिपार्टमेंट का रेवेन्यू बढ़ जाता है, जब 22% कम हुआ तो हमारा कितना बढ़ा, हम 3700 करोड़ बच गया था, आज 1500 करोड़ रुपया प्रॉफिट है। कभी कोई पब्लिक सेक्टर देखें प्रॉफिट में बहुत मुश्किल है, ये हमारे 4.5 दूसरा मंत्रालय मेरे पे जेल, जेल में आपने देखा है हाईकोर्ट का जजमेंट थी तीन चार दिन का, एक हफ्ता हो गया वहां लिखा है कि पंजाब की जेल को पंजाब गवर्नमेंट को तुम कहते तुम्हारे जेल की क्या हालत है, यहाँ से अंदर से मोबाइल रहते हैं, जेल अच्छे विभाग फोन करके लोगों को जवाब दे और तुमने सारे पंजाब को बिल्कुल परेशान कर दिया, बोले तो हरियाणा से सीखो के जेल गए क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का पता मैं हरियाणा का उनकी जेल यही जेल का ही बता रहा हूँ आपसे। हमारे एक पार्लियामेंट की कमेटी स्टैंडिंग कमेटी ऑफ डिफेंस, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ रेलवे, सब पढ़े लिखे लोग हैं, इसके बाद सब्जेक्ट पूछ रहे हैं तो मतलब पार्लियामेंट के मिक्स मेंबर होते हैं, कांग्रेस के एनडीए होते हैं, आपके ममता पार्टी के मेंबर ममता बनर्जी के भी, लालू जी के, मुलायम सिंह के, केजरीवाल के, सब पार्टी का जितनी स्ट्रेंथ होती है उसी हिसाब से एक एक दो दो मेंबर होते हैं। और वो रेलवे में जाके करते हैं, डिफेंस पे बॉर्डर पे जाते हैं, हमारे पेपर गांधी सब सवाल पूछते हैं। ऐसे ही एक स्टैंडिंग कमेटी ऑन लीगल राइट्स, ये फंडामेंटल राइट पे जो कैदी है जेल में है उनके कुछ तकलीफ तो नहीं है, उनसे कोई आदमी जेल वाले परेशान को देखकर छुट्टे हैं जेल नंबरदार से तो सबसे मिलते हैं, खाना कैसा दे रहे हैं, घर से मुलाकात कर सकते बनवा मुझे, उन्हें टेलीफोन की जो सुविधा वो पूरी मिल रही है नहीं मिल रही, कैंटीन का क्या रोल रहता है, बड़े महंगे सवाल पैसे लगाकर के सवाल दे देते हैं तो उसका भी बहुत चेक करता है, अरे कैदी से मिल गए, फिर पैरोल आती है कितने दिन बाद उसे घर जाने की छुट्टी मिलती है,
ये सब वो चेक करते हैं। जब चेक करने के बाद 12 FBI थे सब पार्टी के लेकर थे कांग्रेस के भी वापस जाने लगे, तो सेशन जज साहब साथ थे, डीजीपी थे, डीसीएसपी साहब साथ थे, क्योंकि वो स्टेट के अंदर क्लियर करते। जब जाने लगे तो रजिस्टर किया कि सब फॉर योर कॉमेंट्स, और उन्होंने रजिस्टर में लिखा कि बहुत बेहतर व्यवस्था, लगता है कि घर से भी बेहतर व्यवस्था, बहुत बहुत बधाई सुप्रीम कोर्ट की, जो हमारे डिप्टी चेयरमैन थे डिप्टी चीफ सर थे नीतीश कुमार जी के आज के अपना समर्थन उसके ओन रिकॉर्ड है आपका बोर्ड से उन्होंने कि आप जेल भी देखती सब जेलें में जेल। तो मेरी जो परफॉर्मेंस थी मैं आपके चार में आता था क्या आप लोगों ने कितने अप्रूवल देखा, मैं 2008 में बदला के खिलाफ चुनाव करता हूँ बच्चे में से, और जब टिकट जलने के बाद मुझे लोग पूछते थे किसी को लेकर आप भी पूछते हैं तो वो भी पूछते थे मतदाता पूछते बड़ा होता है, मैं कहता मैं आपको चार लगता हर महीने की 5 तारीख और 2008 से 16 साल के हर महीने की 5 तारीख तो मुझे पता कि आपको जानकारी है कि सुबह से शाम तक 10 बजे से 4 महीने ये मीडिया वाले सब जानते हैं 500 से 1000 आदमी और सबको मैं भी फॉलो करता आखिर एक पार्टी है जिसमें थिंक टैंक है जिसमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह से रिपोर्टिंग होती है, हर जगह से जो रिपोर्ट हुई उसमें ये निकल गया कि रणजीत सिंह सबसे मजबूत कहने गए। और ऐसे ही आपके नवीन जिंदल है पूछो, मैं भी पार्टी से कहा था, उनकी पार्टी से कहा था, हमारा ये सौभाग्य है कि जिस देश का प्राइम मिनिस्टर 145 करोड़ में 400 लोगों को चूज करे उनकी लिस्ट निकाले उसमें मेरा और नवीन जिंदल था, और माफ करना उसकी भी जिंदा पार्टी का मेंबर नहीं था, टेक्निकल पार्ट का काम आपके कर रहे तो मुझे मैसेज आया क्या पार्टी ज्वाइन करो, 8:30 बजे आपका टिकट पहुंच, तो भाई मैं प्राइम मिनिस्टर की लिस्ट में ठीक आ जाऊँ फिर आपकी लिस्ट में भी ठीक होना मोदी जी के तो आगे से कोई मनोभाव नहीं कह रहे थे कि वो ठगी मार्केट में निकल सकता, बट एक वेल इन्फॉर्म होते हैं सब आई टी इंटेलिजेंस बहुत कुछ लोग की रिपोर्ट है। तो मुझे यह कैंडिडेट में आ गया क्या मैं अब तक देखिए ठीक घर में पैदा हो गया जो देवलाल कर रहा था परमात्मा से मांगी उससे एक रोटी ठीक एजुकेशन होती है तो इसी में काम कर रहे थे काम सभी ठीक गरीबों को काम ठीक था परफॉर्मेंस ठीक थी और ये करके मजबूत मेरे मामले में पहले रोल नहीं चला विश्वास नहीं करेंगे मैं 77 कंप्लीट कर गया और 75 के बाद सुनते थे बीजेपी में टिकट नहीं मिले मुझे टिकट नहीं दिया मैं पहले का भी करवा था तो आपसे ये कह रहा हूँ बहुत बातें अलग से कहते जाए लोग सुनते आपको ही बातें दुआ फेरा के आ जाती है। मेरा एक कहने का मतलब है कि सरकार बीजेपी के बने स्कूल को बच और जब देश बढ़िया चलता हो तो ठीक चला रहा चाहिए। 70 में जब जनता पार्टी बन गई थी एक किया तो लेते कांग्रेस से वोट में महाराष्ट्र के जीत 70 का पार्लियामेंट का हाउस मैंने देखा मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर थे चौधरी चरण सिंह होम मिनिस्टर थे अपने चेयरपर्सन को ध्यान आ रहा था और वाजपेयी जी फॉरन मिनिस्टर थे और उस वक्त अडवाणी जी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे एक सिकंदर मतलब थे वो भी बीजेपी के प्रोफेसर मिनिस्टर थे तब जनता पार्टी होती थी और वो 13 अंक के अपोजिशन में थे तो कांग्रेस की तरफ से डिबेट दोस्तों को बोले फर्स्ट पर्सन कहने के स्पीकर सर नाउ देयर इज अ गवर्नमेंट ऑफ जनता पार्टी which has 4 heads, 8 legs, 8 heads. It's difficult for India, for Indian democracy to survive in that government. So, I mean, it's a coalition government. Usmein Congress, usmein jo Jan Sangh ka hoga, Bharatiya Janata, Babu Jagjit Ram ki CFT, Babu Jagjit Ram open aaye the, aur Chandra Sekhar. जो कांग्रेस में थे अभी बात है प्राइम मिनिस्टर की आपने नाम सुना बड़े दबे आदमी थे आचार्य अंदर मैं एक मिनट में चर्चा करता वो जब कांग्रेस में पहली बार एमपी बन गए बड़े यंग थे 30 साल की उम्र कोई बातें बोलने लगे तो
इंदिरा गांधी प्राइवेट सेक्टर, कल के चंद्रशेखर जी यह सोशलिस्ट पार्टी थी, यह कांग्रेस है, इस तरीके से सीमा से मर्यादा में रह गया। तो चंद्रशेखर कहने लगा, मैडम सुनो, तुम्हें कोई धमकाने वाला नहीं है, चंद्रशेखर तुम्हें धमकान कर, मैं पार्टी में MP बना नहीं है, मैं इस कांग्रेस को ठीक करना, तो मैं ठीक करके रहूंगा। ये उसके समर्थक मुद्र में जब इंदिरा गांधी कितनी पावर, तो ऐसे लोगों की बहुत बड़ी टीम थी उस सरकार में, हमसूले जो होते थे। तो मेरा कहने का मतलब, फिर सब पढ़े लिखे, अगर क्रिकेट के मैच में दो कैप्टन को टीम आ गई, अगर शहर में आपके चार मेयर बन गए तो शहर का कोई काम हो गया, एक मैं उसी आदेश ले जाऊंगा, देखूंगा यार काम नहीं बना कैप्टन कौन सा मेयर करेगा, हम इससे पूरा काम करेंगे। अगर 14-16 पार्ट दो की गवर्नमेंट हो तो देश 10 साल पीछे जाता, और अगर एक आदमी फैसला करने वाला है तो फिर देश पीछे नहीं जाता, फिर आगे बढ़े। तो सवाल ये आती है कि हमें स्टेबल पे क्रिकेट की गवर्नमेंट, जर्मनी फ्रांस में 30-30 साल कोलिशन गवर्नमेंट, उसके बाद लोगों में टू पार्टी सिस्टम आया, एक वर्क डिफेंस मिनिस्टर होते थे जर्मनी के, बहुत पॉपुलर थे, उन्हें इसी बात पे रिजाइन कर दिया। तो जब स्टूडेंट थे कोई फीचर लिखा था जो बाद में उन्होंने किसी का चुरा दिया था, और 15 साल बाद उस आदमी का जब पता लगा तो रिजाइन कर दिया, ऐसी टाइप ऑफ थी। तो देश में अगर एक और ट्रांसपेरेंसी की बढ़िया गवर्नमेंट चाहिए लोगों के लिए करेंगे, तो फिर मतलब मोदी साहब से बढ़िया कोई देश का रहनपन नहीं हो सकता। हमारे साथ पाकिस्तान है, पाकिस्तान में देखो इमरान खान जेल में, अभी तो मैंने एक्सपेक्ट की व्यवस्था बता रहा, आप रंग टीवी में देख रहे थे कि इमरान खान की पार्टी आगे उसको हरा दिया गया, फिर आया कि प्रधानमंत्री का मामला है, किसी पे कभी अपना जुटी नहीं थी। तो नवाज शरीफ तो भाई को प्राइम मिनिस्टर बनाया, और जो भुट्टो थी नक्सल भुट्टो उसके पति को देश का राष्ट्रपति बना दिया, और नवाज शरीफ को राजी करने के लिए सर पंजाब की उसकी बेटी को पंजाब का चीफ मिनिस्टर बना दिया। फिर कहने का मतलब जब ऐसे समझौते हैं फिर आराम सकते, जब एक बार UK की सरकार बनी थी तो जो तेलुगु देशम पार्टी थी इंटरनेशनल सपोर्ट ने ले लिए, तो मैं आपसे एक अपील करने आया कि मैं यहाँ से लोग देख सकते हैं भारी भीड़ जहाँ तक भी नजर जा रही है, जितने भी सेक्टर 14 के पोस्ट एरिया के जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर है। बीजेपी के बारे में एक बात कही जाती है कि वे शहरी क्षेत्रों में अच्छी पकड़ जो है बीजेपी की है, कार्यकर्ता जो है काफी अच्छे जो है वो बताए जाते हैं बीजेपी के, और वही चीज यहाँ पर अभी देखने को मिल रही है। ये देख सकते हैं यहाँ पर हर जगह क्षेत्र से पहुंचे हुए हैं, तमाम लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, और जितने सभी के सभी जो काफी खुश नजर और भाई साहब जी आज इस कार्यक्रम में काफी भीड़ पीछे तक नजर आ रही है, क्या कहेंगे इस मोदी जी की छवि, और इधर से हमारे बॉबली साहब की मेहनत है जो रंग ला रही है, उनकी मेहनत लगता है ये सारा भाईचारा बॉबली साहब, सारा भाईचारा अच्छे वाला पार्टी में पकड़ पार्टी की मेहनत है, और मोदी साहब का स्विंग है, मूड है, सभी अपने आप खींचे चले आ रहे हैं, पकड़ है मोदी साहब मोदी की। हाँ बिल्कुल है, आप भी मानते हैं कि बीजेपी की? हाँ बिल्कुल आएगी, नजर आ रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, देख सकते हैं पीछे तक भारी भीड़ लगी है। भाई साहब मोदी फैक्टर कितना काम कर रहा है शहरी क्षेत्र में? जी शहरी क्षेत्र में जबरदस्त हिसाब से मोदी फैक्टर काम कर रहा है कि लोगों को, और कुछ नहीं सिर्फ मोदी में हो गया है पूरा देश आज, सभी और कोई नाम नहीं ले पा रहा। अब रंजीत सिंह जी ने भी कह रहे हैं कि मेरे को टिकट दे दी और मैं भी आसानी से जीत जाऊंगा, ये उन्हीं की आवाज नहीं बल्कि आम लोगों की आवाज है। हाँ जी, तो हम तो सभी ये कहेंगे भी मोदी का फैक्टर 101% काम। तो किसी भी जैसे एक दूसरी पार्टियां हैं उनमें कैंडिडेट की घोषणा भी नहीं हुई है, वहीं पर बीजेपी में यहां पर काफी कार्यकर्ताओं की कार्य जो है वो तेजी से चल रहा है, इसके ऊपर ऐसा जी उनके पास कोई अब कैंडिडेट ही नजर नहीं आ रहा, वो सोच रहे हैं कि क्या पता इसको खड़े करें, क्या पता ये निकल जाए, क्योंकि ये कोई लॉटरी नहीं है जो निकल जाएगी, ये आम लोगों को वोट देना होता है, ये जन आम जन भावना के
ऊपर काम कर रहे हैं। हर कोई है ना ये सोचता है भी अब मोदी को ही वोट देना है, लोगों ने 101% मन बना लिया। प्रवीण पोपली जी, जीत पक्की है जी, पूरा बीजेपी पूरा आम पब्लिक सभी बीजेपी सरकार को लेके आएगी और हमारा पूरा समर्थन है बीजेपी सरकार को। और पोपली जी का बहुत बहुत धन्यवाद उन्होंने हमारे को बुलाया। देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता है तमाम पोपली जी के एक एक बुलावे पर यहाँ पहुंचे। भाई साहब, शहरी क्षेत्र में पकड़ जाती है बीजेपी की, कितना सही मानते हैं? बिल्कुल ठीक बात है जी, शहरी क्षेत्र में बीजेपी की बहुत ज्यादा पकड़ है। मेरे ख्याल हिसार से इतनी मिलेगी इनको कि बाकी क्षेत्रों में ये टूट ही नहीं पाएगी। बाकी जो दो तीन कैंडिडेट और उनके बारे में, कैंडिडेट तो जी अभी तो कांग्रेस ने तो उतारा ही नहीं है, उनके पास कैंडिडेट ही नहीं है, वो उन पे विचार चल रहा है। और जो दो और आए हैं वो मेरे ख्याल लाख से नीचे ही वोट लेंगे जो दोनों मिलके। इस तरीके से ये तमाम लोग एक ही बात कर रहे हैं कि भाई जो वोट बैंक जो है बीजेपी का है, यहाँ ये बात कही जा रही है। और यहाँ देखते ही देखते कितने लोग जो जुड़े हुए हैं, सभी जो है मोदी फैक्टर की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी फैक्टर काफी कामयाब सिद्ध हो रहा है, काफी कारगर सिद्ध हो रहा है यहाँ पर। और सभी समाज के लोग जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। नमस्कार सर, नमस्कार। बीजेपी के कार्यक्रम में काफी भीड़ नजर आ रही है। भाई पोपली साहब के पूरा जोर शोर है इसके अंदर, उनके कहने पे आए हम और सुनने आए रंजीत जी के, चौटाला जी के विचार, रंजीत चौटाला जी के विचार सुनने आए हैं पोपली जी कहने पर। आप तो बीजेपी में हो, जेजेपी में हो? नहीं, हम कोई पार्टी में नहीं है, हम सिर्फ पोपली साहब के दोस्त है। पोपली साहब के एक बुलावे पर काफी संख्या में आप पहुंचे हैं जी। प्रवीण पोपली जी ने जिस तरीके से बुला करके लोगों को इकट्ठा किया है, एक नई पहचान यहां पर बनी है कि प्रवीण पोपली जी किस तरीके से लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। प्रवीण पोपली जी जैसे देश में मोदी जी लोकप्रिय है, ऐसे हिसार के अंदर प्रवीण पोपली जी लोकप्रिय है और सब यारों के यार है, दोस्तों के दोस्त हैं, हर दुख सुख में साथ खड़े होने वाले प्रवीण पोपली जी हमारे भाई हैं, दोस्त हैं। और हम तो चाहेंगे कि प्रवीण पोपली जी जैसे साथियों को आगे आना चाहिए और राजनीति जब भी सुधार होगा और राजनीति का जब भी स्वच्छता की तरफ बढ़ेगी। आप भी प्रवीण पोपली जी के साथ में आए? जी जी बिल्कुल, आप भी प्रवीण पोपली जी के साथ? बिल्कुल भाई, देख सकते हैं प्रवीण पोपली जी की काफी पकड़ है और इसी के चलते यहाँ पर आए हैं जी। क्या कहना चाहेंगे आप प्रवीण पोपली जी के? बिल्कुल, प्रवीण पोपली जी के साथ आए हैं जी, बिल्कुल। आप तनमन धन से साथ? बिल्कुल, तनमन धन से साथ, बिल्कुल बिल्कुल, प्रवीण पोपली जी। तो कुछ और भी यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद है जी। सर आप क्या कहेंगे कि किसी जी के साथ है जी? प्रवीण पोपली जी के साथ, तन मन धन से, तन मन धन से। और पार्टी की बात करो तो किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? जहाँ पर जहाँ जहाँ प्रवीण भैया और बीजेपी, हम तो साथ ही इकट्ठे। आप तो क्या कह रहे हैं प्रवीण पोपली जी ने जो लोग इकट्ठे किए कैसे किए हैं? प्रचार जो कर रहे हैं मतलब इकट्ठे तो किए, सभी भाईचारे में इकट्ठे किए हैं जी। हाँ जी, भाईचारे से हुआ है। आपका क्या मानना है ये भीड़ किस तरीके से इकट्ठा हुई है? क्या बड़े बड़े प्यार से इकट्ठी की गई है? पोपली बहुत प्यार है पोपली जी का, गौतम सरदाना जी का, कितने भाई लालच दिया, क्या दिया खाने में भी? अरे भाई खाना पीना तो लोग खुद लेके आते हैं, खाने पीने की कोई टेंशन किसी को नहीं है। अच्छा। सब प्रेम से आए हैं, सब बुलाया प्रेम से, एक बार एक आवाज मैसेज गए, बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी पोपली जी को। और कम से कम 25-30 आदमी मेरे साथ आए हैं, 25-30 आदमी मेरे साथ आए हैं ग्रुप के जो है मेरे। ये बताए कितने लोग होंगे टोटल जो इस कार्यक्रम में? कम से कम 2000 लोग होंगे सर। 2000 तो नहीं सर, सही सही बताइए, 2000 तो कम से कम है सर। आंकड़ा देखिए आप सर, भीड़ देखिए सर आप। चलिए धन्यवाद, एक बार मैं आगे चलते हैं और देखते देखते सैकड़ों की संख्या में कह सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में स्वागत करें योगेश मतवा जी, सबकी मंडी चाहे महेंद्र चुटेजा जी, हमारा परिवार नरेश थरेजा जी, सोनू 99 सोनू कामरा जी, डॉक्टर। देख सकते हैं प्रवीण पोपली जी की काफी अच्छी पकड़ है और उन्हीं की पकड़ के साथ में काफी अच्छी युवाओं में साथियों में इतना महत्व है कि जिसके चलते काफी भीड़ यहां पर इकट्ठा हो चुकी है। और देखते ही देखते प्रवीण पोपली का भाईचारा जो है वो यहां पर इकट्ठा हो चुका है और फूल माला देकर के सम्मानित करें। स्टेज पर इतनी भीड़ इकट्ठा हो चुकी है, स्टेज पर जगह ही नहीं रही है। कपिल कटारिया जी को बता देते हैं, प्रवीण पोपली जी कहीं ना कहीं चुनाव में आगे जो है सभी सदस्य ओम प्रकाश जी हमारे बीच पहुंचे हैं।
टैक्सी यूनियन के प्रधान गुरुद्वारा सिख सभा से सभी सदस्यों से प्रार्थना और विशेष पर आ जाए सिख सभा गुरुद्वारा सिख सभी सदस्य आ जाए तो देख सकते हैं शहरी क्षेत्र में और प्रवीण पब्लिक के बुलावे पर बहुत से लोग हिसार के अंदर से बीजेपी लहर जो है लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर शहरी क्षेत्र में काफी लोग जो है यहाँ पर चुके हुए हैं ईश्वर माता जी मार्ग पर आज से सज्जन माता जी सभी पत्रकार साथियों का भी धन्यवाद आप सभी मेरे साथ मिलकर एक बार महामंत्र गुरु मंत्र गायत्री मंत्र बोलिए फिर मैं परिचय देता हूँ। ओम भर्गो मैं सम्माननीय हमारे अब सांसद के जो कैंडिडेट हैं चौधरी रणजीत सिंह जी चौटाला आपसे पहली बार मिल रहा हूँ। आप मेरे से एक साल बड़े हैं। माता ने नाम मेरा आजाद सिंह रखा। 45 साल से आपके इस हिसार नगर में हूं और मैं क्योंकि मेरा भी छोटा सा संपर्क है आपकी तरह से भी मेरा लंबा चौड़ा परिचय नहीं है। पोपली जी ने मुझे बड़ा प्यार दिया है। आपके वहां कारोबार पर 25वीं वर्षगांठ पर मैंने पवित्र यज्ञ किया और मिलता ही रहता हूँ। आपको विश्वास दिलाता हूँ आपको यहाँ हिसार आस पास के इलाके से हृदय से प्यार मिले कोई चिंता नहीं मिलेगी। इस हिसार नगर में इसके 125 गांवों में एक एक घर में मेरा जाना रहा इस संस्था के माध्यम से। आपके पूजनीय पूज्य पिताजी हमारे गुरुकुल के संस्थापक के साथ मुल्तान जेल में भी थे। सम्माननीय स्वर्गीय एक दो सेवा करूंगा वो अवश्य आप पूरी करेंगे। ये देश ऐसा महान देश है। हम कहा करते थे एक देश है पुरुषोत्तम सकाशात अग्रजन्मने हैं स्वयं स्वयं त्रित्रम शिक्षे राम पृथ्वीव्याम सर्व मानवा। हमारे मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री आए हैं मैंने 17 सितंबर को भी यहाँ पर उनके जन्मदिन पर हवन किया है और तो हम सभी हृदय से चौटाला साहब के साथ जुड़ेंगे। आपके उत्तम स्वास्थ्य दीर्घायु और आप क्या अपील कर रहे हैं निश्चित रूप से हमारे पोपली साहब आने वाले समय में प्रतिज्ञा प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अनेकों अनेक संख्या से आए हैं गुरुद्वारा सिंह सभा नगरी गेट से भी हमारे कुल गेल साहब सरदार जी इंद्रजीत जी आप कुलवंत सिंह जी आप सभी पहुंचे। आप भी कृपया आगे आए गुरुद्वारा सिंह सभा से आई आज विजय माइनॉरिटी सेल से हमारे सोनू जी 99 वाले वो भी हमारे बीच पहुंचे। आपका भी हार्दिक स्वागत है और वो हमारे चौधरी रंजीत सिंह जी को अपना समर्थन दे रहे हैं। मैं धन्यवादी हूँ फिल साहब का राजू जी का इंद्रजीत जी का और
जहाँ तक मेरी नजर जा रही है, अगर कोई रह गया तो मैं क्षमा मांगते हुए विक्रांत भटेजा जी मुझे नजर आ रहे हैं, संजय धवन जी नजर आ रहे हैं, सुभाष कटारिया जी वो भी नजर आ रहे हैं, डिंगड़ा जी, सुभाष समय का हालांकि अभाव है, फिर भी तीनों औजा जी कृष्णा मंदिर से आए हैं, सुभाष ढिंगड़ा जी पहुंचे हैं, हमारे मामा जी देवेंद्र सैनी जी कृपा पागे और अमित के हजरे में नाम उनसे भी निवेदन है कि आप ही आ गए थे, धनखड़ साहब भी हमारे बीच पहुंचे हैं, आपका भी स्वागत है, आप कृपया जल्दी से आ जाए क्योंकि आगे भी प्रोग्राम है और सब साहब से मैं रिश्ता अब मेरे घर चाय चाय के जितेंद्र मलिक जी भी हमारे बीच पहुंचे, आपका बहुत बहुत स्वागत है, दो मिनट के लिए चाय जी चौटाला जी यहाँ पर मौजूद है, एक बार बातचीत कर लेते हैं, लगातार जिस तरीके से कार्यक्रम चल रहे हैं और कार्यक्रम का दौर लगातार अभी समय जारी है, आज के कार्यक्रम कर पहुंचे क्या कुछ कहेंगे सर, आज संडे का दिन है, संडे के दिन के बावजूद इतने तादाद में लोग एकत्रित हुए हैं, क्या कहेंगे आप संडे 14 में? बहुत बढ़िया माहौल आप देख रहे हैं, सब पढ़े लिखे लोग शांति पृथ्वी और जब इतने लोग इतनी संख्या में खड़े हैं और मैं सबकी बॉडी लैंग्वेज चेहरे देख रहा हूँ, इनका मन कर रहा है कि अभी वोट डाल के रात को सोएं, जब ऐसा माहौल बन जाए तो उसका फिर कोई सीमा नहीं। बहुत सारे लोग स्टेज पे बस से बोलते हैं तो नेता एक दूसरे के ऊपर आलोचन लगाते हैं, एक दूसरे पे कटास करते हैं, आप कहीं भी आपके मतलब देखा जाए तो आप कोई भी दूसरे के लिए टिप्पणी नहीं करते? हम मोदी जी का पार्टी है, हम अपनी लाइन बड़ी करने में लगे हैं, जब हमारी बड़ी होगी तो दूसरी अपने आप छोटी हो जाए, हम किसी पे पहुंचा क्यों मारे किसी को कम क्यों करे। एक बात कही जाती है कि बीजेपी की जो शहरी क्षेत्र में काफी पकड़ है और वही चीज यहाँ पर देखने को भी मिल रही है, पीछे काफी कार्यकर्ताओं की भीड़ आगे तक लगी हुई है, जो देखने को लिए सुनने के लिए आपको आए हैं, इस पर आपका क्या? शहरी मैंने गांव में भी सब जगह ही किया, वोट तो पड़ेंगे तो
दूसरे भी तो है ना, शहर के तो कितने 1.5-2 लाख वोट है, बाकी 18 लाख वोट है, सारी जगह हर आदमी के मन पे मोदी साहब जचे हुए। आज आए मेरे लिए सब वर्कर्स के मिल के आज सुशीला भवन में कह गए कि भाई रंजीत सिंह जी मेरे, हम दोनों भाई हैं, हमारा बड़ा पुराना रिश्ता है, ये मेरे बड़े भाई हैं, इनको जी जान से जताना हम दो शहर से एमपी बने। पूरे क्षेत्र में आप लोकसभा क्षेत्र में घूमे हैं, किस तरह का प्यार और आशीर्वाद आपको लोगों को जो है आपको मिला है क्या? आज जो देख रहे हैं इससे अगले प्रोग्राम में और बढ़ा हुआ मिलेगा, कल जाऊंगा तो इससे भी ज्यादा बढ़ा, दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, बहुत बहुत अच्छा बन रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर काफी भीड़ और लोग जो है मिलने के लिए यहाँ पर निकलो 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 समय, और प्रवीण पोपली जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। प्रवीण पोपली पोपली जी सर, एक ही बुलावे पर इतनी भारी भीड़, इतना भाईचारा, हमने लोगों से पूछा था, बोले जी हमारा भाईचारा बिल्कुल बंटी आ आगे एक मोदी सॉरी बिल्कुल बिल्कुल ये सब सब सबका प्यार है, सबका प्यार है। एक छोटे से मैसेज पे मैं तो सबको फोन भी नहीं कर पाया, और सबने इतने प्यार से इतना आशीर्वाद देने, मुझे भी आदरणीय चौटाला साहब को भी और मोदी जी को भी समर्थन देने, और हरियाणा सरकार को चाहे बीजेपी सरकार को इतना समर्थन देने के लिए इतना हजूम उठ रहा है, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ तहे की गहराइयों से, आपका भी आपके चैनल का भी धन्यवाद। देखते हैं ये देखते काफी भारी भीड़ और हम लोग जो है भारी संख्या में इकट्ठा हो रहे हैं आ चुके हैं जी, क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम को देखकर, क्या लगता है? जीत पक्की है और बहुमत बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा है, आपको क्या लगता है? बिल्कुल 100% जीत है जी। आपका क्या? बिल्कुल 100% जीत। अच्छा आपको 400 बार है? बिल्कुल 100% 400 बार जीतेंगे, 100% जीतेंगे, 400 बार कॉन्फिडेंस से कैसे कह रहे हैं? बिल्कुल कॉन्फिडेंस है जी, साथ जुड़े हैं, अपने बीजेपी को देखा है अंदर से, साथ है मोदी जी के, मोदी तो मेरा लाला है। बात है तो तमाम जो है लोगों का एक ही कहना है कि भाई इस बार जो है आंकड़ा 400 पार। चलो हाँ सर, आपका क्या कहना है? आप पूरे मैं देखो 10 के 10 लोकसभा क्षेत्रों में गए हैं, हर जगह पर आपने लोगों से मिले भी हैं, बातचीत की है, क्या रुझान है पहले से अब रुझान में, कितना अंतर आया है, क्या कुछ कहें? 20% प्लस है। अच्छा, यहाँ 3.25 लाख से जीते थे, 5 लाख से जीतेंगे इस बार, 5 लाख से, 5 लाख बड़ा दावा कर रहे हैं आप? बड़ा दावा कैसे है, प्रमाण है भैया, प्रमाण के साथ। पिछली बार कुलदीप बिश्नोई हमारे खिलाफ था, चौटाला जी हमारे खिलाफ थे, सावित्री हमारे खिलाफ थी, अब सारे हमारे साथ ही तो हैं, तो 3.25 से 5 तो हो गए। कुलदीप जी क्यों नजर नहीं आ रहे, क्या कर रहे हैं? आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, भव्य जी भी नजर नहीं आए, कोई खास बात नहीं है। अच्छा, अंदरूनी खाते में साथ है मतलब आपके, जो होगा साफ साफ ने नजर आ जाएगा, क्या दिक्कत हो रही है? कॉन्फिडेंस बहुत जबरदस्त, और कहना है कि भाई जीत जो है पहले से बड़ी है, ये साफ तौर पर जैन साहब का कहना है कि भाई जीत का अंतराल बड़ा है, तेजी से जो है हम आगे बढ़ रहे हैं, हम जो है आगे से बढ़ रहे हैं। वीडियो को शेयर करें।